बीच में आके जीवन जादव जी जो है माहौल थोड़ा का बढ़ाए हैं, तो लड़ाई तो खाली औद बिहारी और हिना में ही था। तीनों में सबसे मजबूत लीडर कौन है? तीनों में तो औद बिहारी चौधरी रहा है। इंशाल्लाह अगर हिना मैडम जीती तो विकास दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एस एन लाइव न्यूज पे। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद उमर। अभी हम सिवान के जीरादेही में हैं। ये वही जीरादेही है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया था। आपको बता दें कि सिवान में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और सिवान में जनता किसे अपना सरताज बनाना चाहती है, क्या कुछ जनता का मिजाज है, इन सारे सवालों के साथ अभी हम सिवान के जीरादेही में हैं। यहाँ पर सर्वे करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि सिवान के जीरादेही का क्या कुछ मिजाज है, जनता किसे अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आपको बता दें कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, तो वहीं आरजेडी से हैं अवध बिहारी चौधरी, तो वहीं तीसरी अगर प्रत्याशी की बात करें तो एनडीए यानी कि जेडीयू कोटे से यहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, जो कि आपको बता दें कि कुशवाहा की पत्नी हैं। तो सिवान की जनता से हम जानते हैं कि सिवान की जनता किसे अपना सरताज बनाना चाहती है या फिर सिवान में कितना कुछ विकास हुआ है। आपको बता दें कि क्या इस बार सिवान में विकास पे वोट होगा या फिर रोजगार पे वोट होगा या फिर राम मंदिर पे वोट होगा, इन सारे सवालों के साथ अभी हम सिवान के जीरादेही में हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि जनता का क्या कुछ मिजाज है। आइए चलते हैं सिवान के जीरादेही गाँव में और पब्लिक से बात करते हैं या फिर यहाँ की जनता से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ मिजाज है। सिवान के जीरादेही गांव में है और यहाँ की जनता से जानेंगे क्या कुछ यहाँ की जनता का मिजाज है। तो यहाँ पे पब्लिक क्या लग रहा है भाई इस बार चुनाव में हमारे? अरे आप वोट किसको दीजिएगा? अभी हमारा वोट का अधिकार नहीं हुआ है, जब होगा तो हम। कितना उम्र हो गया भाई वोट का अधिकार नहीं हुआ? 18 साल पे वोट अनिवार्य? अभी 18 नहीं चढ़ा है, अभी लगभग अभी 16-17 का है। दाढ़ी मूंछ जो आ गया, बाल में झड़ गया? हाँ वो तो जरूर। शादी हो गया? नहीं अभी शादी नहीं हुआ है, होने वाला है। किसको वोट दीजिएगा, क्या लगता है? बिहारी चौधरी को देंगे वोट, औध बिहारी चौधरी को। हाँ क्या यहाँ का माहौल क्या है, जनता का मिजाज क्या है? माहौल सब ठीक ठाक है, अभी तो देखिए अभी 2-4 दिन बाद जाके पोल खुलेगा क्या होगा। हाँ बीच में आके जीवन जादव जी जो है माहौल थोड़ा का बढ़ाए हैं, तो लड़ाई तो खाली औध बिहारी और हिना में ही था। भैया रमेश कुशवाहा उनकी पत्नी, वो तो अलग से बीजेपी से वो लोग उठे हैं ना, मैंने जादव जी लोग दूगो आके काम करवा दिया है लोग जीवन यहाँ से यहाँ के पूरा मोहल्ले का बढ़ा दिए हैं। बढ़ा दिए हाँ, नहीं तो लड़ाई यही तीन को होता है, बीजेपी से ये कुशवाहा जी और जारी चौधरी या हिना साहब का। अच्छा तीनों में सबसे मजबूत लीडर कौन है? तीनों में तो और जारी चौधरी है, और जारी चौधरी मजबूत है हर विषय में, स्पीकर भी रह चुके हैं, अथी भी रह चुके हैं 4-5 बार, उन्हीं को सिवान के विधायक भी हैं। पार्टी टिकट दी है तो कुछ सोचिए कि दी है, अब जीवन जी को टिकट नहीं मिला है तो ऐसे ही बीच में कूद गए, तब क्या करिएगा। अच्छा एक बात आपसे पूछेंगे कि पहले जब भी अब जब राजद की सरकार हुआ करती थी तो नीतीश कुमार या फिर बीजेपी वाले कहते थे कि फिर से बिहार में जंगल राज आ गया है, तो अब क्या कहेंगे? अब तो एक के अपराधी की पत्नी को टिकट मिला है, क्या कहेंगे? देखिए कहने वाला तो नेतागिरी में कुछ भी कह देता है ऐसे, ठीक है जैसे उस टाइम था अभी भी जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो अपराधी की पत्नी है, उनको जेडीयू टिकट दिया तो क्या अब जंगल राज नहीं आएगा? जंगल राज आई भी करेगा, खत्म कहाँ हुआ है? अभी बीजेपी में अजय सिंह थे तो नहीं चल रहा था, चल ही रहा था, फिर चलेगा जंगल रास्ता रहता ना। अभी देखो कितना बाइक उठ रहा है, सब चोरी चमारी हो रहा था, कौन कर रहा था? सब लड़के तो शाहबुद्दीन नहीं है, कहाँ तो शाहबुद्दीन साहब जब नहीं है अब कौन करवा रहा है? तो वहीं बीजेपी वाले करवा रहे हैं सब, दूसरा कौन करवाएगा? देखिए अब नया चेहरा आएगा तो क्या होगा उसमें। आप इसी गाँव के निवासी हैं? नहीं हम आंध्र बिहार के हैं। आंध्र बिहार के हैं, चलिए और भी लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में माहौल अच्छा है। किसको वोट दीजिएगा? अभी हम नहीं बता सकते हैं चुनाव के समय कौन सबसे अच्छा नेता है सिवान में। अब सब लोग चौधरी हैं उस समय बताएंगे, अभी यादव हैं, रमेश कुशवाहा की पत्नी किए हैं, उस समय चुनाव के एक दिन पहले बताया जाएगा। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है, बेरोजगारी भी है सब। क्या इस बार वोट बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा या फिर राम मंदिर पे होगा या फिर जातिवाद पे होगा, क्या कहेंगे? इस सब पर होगा, चारों पर लोग वोट देंगे। आपका क्या मेन मोटिव क्या है, क्या कहेंगे? हम तो बेरोजगारी पे या फिर महंगाई पे या फिर राम मंदिर, इस पर वोट देंगे।
बेरोजगारी पर सबसे युवा ही वोट देंगे ना, बेरोजगार हैं जो रोजगार देगा उसी को वोट दिया जाएगा, बीजेपी हो या राजद हो। आइए और भी लोग हैं, एक युवा हैं भाई, आप लोग एक युवा हैं, इसी गांव के निवासी हैं, क्या कहेंगे? जैसे मैं क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल तो अभी बेहतर चल रहा है, अब नॉमिनेशन के बाद पता चलेगा माहौल क्या है, कैसा स्थिति रहेगा, उसके बाद से देखा जाएगा। अच्छा, सीमान में क्या पिछले 5 साल में विकास हुआ है? नहीं, विकास तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, इंशाल्लाह अगर हिना मैडम जीती तो विकास दिखेगा, यही होगा। जब शाहबुद्दीन साहब हुआ करते थे तब तो विकास हुआ करता? शाहबुद्दीन साहब जब थे हम लोग पैदा ही नहीं थे, नाम सिर्फ सुनता है आदमी, तो विकास तो बहुत सारा हुआ है, जैसे सिवान में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अपना बहुत सारे चीज़ बने हैं, जैसे यूनानी मेडिकल, राजेंद्र स्टेडियम, बहुत सारे चीज़ जी बहुत सारे चीज़ बने, यूनानी कॉलेज बने श्रीनगर का। हिना साहब इंशाल्लाह जरूर। हिना साहब चचा क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल में, किसको वोट दीजिएगा? हम किसी को नहीं जानते हैं, देख किसी को देखे वोट हम? अवध भैया चौधरी, रमेश कुशवाहा, किसको देंगे? अवध चौधरी को दिया जी। अवध भैया चौधरी को? हाँ। अच्छा, ये और भी लोग हैं भाई, आप एक व्यवसायी हैं, क्या महंगाई बढ़ गया है? महंगाई तो बढ़ ही है, महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। महंगाई बढ़ा नहीं है, बोल लीजिए पहले से तो हर चीज़ महंगाई है। तो अब क्या लगता है इस बार किसका है सबसे पहले, अवध भैया चौधरी, रमेश कुशवाहा? अब मालूम कोई बताएगा थोड़े कि हम इस जो देगा जो उसको देंगे वोट, कोई वोट देने वाला बताता है? मान लीजिए कि वोट है किसी को देगा आप चले आएंगे, ना हम लोग उसमें रहते हैं ना जानते हैं राजनीति में, मान लीजिए वोट है वो जाएंगे देख दे के चले आएंगे। अच्छा, मोदी जी राहुल गांधी किसको 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 मतलब किसका हाथ करेगा मजबूत? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी, बेरोजगारी हटाएंगे, वही निकलेंगे मोदी जी निकलेंगे। अच्छा, हाँ मोदी जी को पूरा वोट है कितना? आपका नाम? हमारा नाम श्रीराम शाह। श्रीराम शाह क्या? अच्छा, क्या कहेंगे? मोदी तो एकदम हम लिखा ठीक है, बड़े उसमें कहाँ महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, तो सब तो लोग अंडर 800 रुपया बढ़ गए हैं। हाँ, ज़्यादा महंगाई जेकर के जीता थे वो करे के जीता थे, बस काम खत्म, महंगाई बढ़ी है चाहे सस्ता ही हो। हाँ, हमने के ये काम करे के भाई, यही से खाना पकाना। और भैया चौधरी किसको? बिना साहेब और भैया चौधरी, रमेश कुशवाहा की पत्नी, किसको वोट दी? हाँ तो सीमान से और बिहारी ने जीती है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।